सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में पुलिस प्रशासन के द्वारा पर्व त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक में स्थानीय लोगों को गांवों में एवं सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह का डांस प्रोग्राम या डीजे बजाने को लेकर प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन आज भी गांवों में इस प्रतिबंध को पूरी तरह से प्रभावी करने में कहीं न कहीं नालंदा जिला प्रशासन नाकाम साबित हो रही है और अक्सर गांवों में वार वालाओं के ठुमके लगाए जाते हैं और इस ठुमके में दो पक्षों के बीच तनाव होता है, गोलीबारी होती है और हत्या तक हो जाती है। दरअसल पूरा मामला नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र से संबंधित है, जहां बीती रात्रि सारे थाना क्षेत्र के कैला गांव में लक्ष्मी पूजा के अवसर पर बारवालाओं के डांस का आयोजन कराया गया था। इसी डांस के बीच दो पक्षों के बीच तनाव हुआ और तनाव होने के बाद दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में दो लोगों को गोली लगी है। आपको बताते चले कि गोली लगने से अखिलेश यादव एवं मनोज यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी दोनों लोगों को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद दोनों जख्मी को बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर किया गया। दरअसल हम आपको बताते चले कि पर्व त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए स्थानीय स्तर पर शांति समिति की बैठक होती है, बावजूद स्थानीय थाना कहीं न कहीं शांतिपूर्ण पर्व त्योहार को संपन्न कराने में नाकाम साबित होती है और उसी का नतीजा है सारे थाना क्षेत्र के कैला गांव में दो पक्षों के बीच वार वाला के ठुमके के दौरान तनाव उत्पन्न हुआ और गोलीबारी हुई जिसमें दो लोगों को गोली लगी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और दोनों पक्षों पर कार्रवाई की बात कह रही है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।